हेलो गाइस, वेलकम टू न्यू व्लॉग। भाई अभी मैं बाइक का करवा रहा हूँ कुछ काम। एक्चुअली क्या है कि इसकी वो वॉशर ना, मतलब ये जो मडगार्ड लगवाया था, आवाज़ कर रहा था, तो इसमें शायद वॉशर वॉशर फिट कर रहे हैं। अब टाइम है, ये भी पेच निकल गया, इसकी वजह से पूरा ही हिल रहा है, मेरी आवाज़ कर रहा है। एज पर माई प्रोमिस मैंने काशवी को पढ़ा दिया। काशवी इधर आओ बेटा। और अब काशवी, काशवी आपको पढ़ के ऐसा लगा पापा से? अच्छा लगा ना? और अभी काशवी कर रही है ड्राइंग, ड्राइंग करेगी। और मेरा बेटा आज बड़ा खुश है पढ़ाई करके, अदरवाइज। अरे यार तू चुप रहते, बेट क्यों बात करती है हमसे? जो भी है यार, हमसे बात मत कर प्लीज। पापा की बेटी आ जाओ काशी। हाँ बेटा, अब ड्राइंग कर लो। अभी कुछ ये अपना काट रही है, पता नहीं क्या कुछ ड्राइंग वगैरह कर रही है यहाँ पे। ठीक है, शाबाश, कर लो मेरे बेटा। भाई काशु को पढ़वाने के बाद मैं आ गया हूँ एक्सरसाइज करने, जिम में आज कर रहे हैं शोल्डर, और अभी दो सेट मारे, जान निकल गई फिलहाल। भाई फिलहाल जिम से घर आ गया हूँ, आज कमर तोड़ वाली एक्सरसाइज करी है, मजा आता है। मतलब वन ऑफ द डेज होते हैं ना जिसमें मजा आता है एक्सरसाइज करने, वो वाला दिन था। और आज मैं पानी में देखो क्या क्या भर के ले गया था, नींबू, खीरा, धनिया और मिंट। भाई मैं जा रहा हूँ डॉक्टर साहब के पास, जो मेरी दवाई थी वो खत्म हो गई, तो देखते हैं उनसे क्या कहते हैं वो, आज लेके आते हैं दवाई दोबारा से अगर हो देंगे तो। भाई डॉक्टर साहब पे पहुँच गए। भाई मैं डॉक्टर के पास गया था, वैसे बेसिकली जानकार है वो डॉक्टर, तो क्या हुआ कि थोड़ा टाइम लग गया, मेरी वाइफ वहीं आ गई, देखो लेने आ गई, फोन करी अरे कहाँ रह गए, फिर वहीं आ रही हूँ। मैंने कहा आ जा भाई, मैं आ ही रहा था, रास्ते में ही था। अब फिर आते आते हम तरबूजा भी ले आए। खोलो बेटा, पापा है। काशू देखो गरी कौन भाई, नमस्ते। सो बेसिकली मैं आपको बताता हूँ क्या सिनेरियो पूरा। और ये ना मेरी सबसे, जो लोग जिम जाते हैं या कुछ भी लेते हैं सप्लीमेंट्स वगैरह, उनके लिए भी है। देखो मैंने ना सीरियसली बताऊँ, कुछ नहीं लिया, सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन लिया था। प्रोटीन मैंने लिया था, सबसे पहले मैंने लिया था नाइट्रोटेक, मसल टेक का नाइट्रोटेक, अच्छा प्रोटीन था, काफी अच्छा रिजल्ट आया था। फिर मैंने लिया जीएनसी का प्रोटीन, वो भी अच्छा है नो डाउट। फिर मैंने ऑन का लिया, ऑप्टिमम न्यूट्रिशन का, वो भी अच्छा है। सारे क्वालिटी, मतलब मैं आपको बता रहा हूँ कि ये वन ऑफ द बेस्ट प्रोटीन है, महंगे भी हैं, 4,000, 5,000, 6,000 ऐसे तरीके के। तो अभी रिसेंटली मैंने लिया था सिंथेसिक्स का। सिंथेसिक्स प्रोटीन लेने के बाद भी, मतलब ज्यादा दिन नहीं लिया सिंथेसिक्स, मैंने हफ्ते भर लिया था। तो मैंने ऐसी टेस्ट करा लिया, क्योंकि मेरे को रात को ना यूरिन बहुत हो रहा था, जैसी रात होती है ना, मैं पानी नहीं भी पीता ना तो भी मेरे को 5 से 6 बार जाना पड़ता है। तो मैंने ऐसी टेस्ट करा लिया, मैंने चलो टेस्ट कराते हैं। जब मेरा पहले एक्सरसाइज स्टार्ट करी थी, उससे पहले मेरा ट्राइग्लिसराइड, और बस ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ था, और मेरे ब्लड सेल्स जो है वो चौड़े हैं, जो ब्लड सेल्स होते हैं वो काफी थिन है, थिन कह रहा हूँ सॉरी, वो थिक है। तो फिर अभी जब मेरे को यू हुआ, मैंने दोबारा चेक कराया, तो दोबारा चेक कराने के बाद एक तो मेरा यूरिन इन्फेक्शन हो रहा है। यूरिन इन्फेक्शन का मतलब है कि यूरिन में प्रोटीन आ रहा है, ठीक है, इन्फेक्शन बढ़ा हुआ है। तो और ब्लड प्लेटलेट्स वगैरह जो आपने मेरा पुराने ब्लॉग देखेंगे वो भी उनमें भी है, मेरी ब्लड थोड़ा सा लो है, 110 प्लेटलेट्स थी मेरी। तो मैंने बोला डॉक्टर साहब से कि सिर्फ प्रोटीन प्रोटीन से ही लेने पर ये क्यों हो रहा है, जबकि प्रोटीन तो हर कोई रिकमेंड करता है कि प्रोटीन ले लो। अब सारे टॉप लेवल के प्रोटीन है, अच्छे प्रोटीन है, मैंने ऑथेंटिकेशन चेक भी किया, सब चीजें की है। दिक्कत यह है कि प्रॉपर नॉलेज ना होना, प्रॉपर तरीके से ना लेना। प्रोटीन आप ले रहे हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कुछ चीजें फॉलो करनी है। भाई फ्रूट्स लेना है, आपका लीवर उसको डाइजेस्ट कर पा रहा है नहीं कर पा रहा वो भी डिपेंड करता है, आप कितना पानी पी रहे हो वो भी डिपेंड करता है। बहुत मैं इतना नॉलेजेबल नहीं हूं इस फील्ड में, बट फिर भी ये जो बेसिक चीजें हैं वो मेरे को पता है। तो मैंने वही गलती करी, मैं एक तो पानी कम पिया, सर्दियों में लिया था, सर्दियों में वैसे पानी नहीं पिया जाता, तो उस चक्कर में भी तब भी मेरे को लग रहा था कि ज्यादा आ रहा, बट मैंने कहा सर्दी है इस वजह से आ रहा होगा। तो फिर डॉक्टर साहब से बात हुई, मेरे जानकारी डॉक्टर हैं, दोस्त ही है मेरे, तो उन्होंने कहा कि भाई इस टाइम पे ना जिम की वजह से हार्ट अटैक्स बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। लोग क्या कर रहे हैं, जल्दी बॉडी बनाने के चक्कर में और जल्दी गेन करने के चक्कर में उल्टी सीधी चीजें ले रहे हैं। मतलब वो उन्होंने भी कहा कि प्रोटीन तो कोई दिक्कत नहीं है, बट यही है कि हाँ भाई आपको दिक्कत हो रही है, हर किसी को अलग अलग तरीके से इफेक्ट करती है हर चीजें,
आपने पानी कम पिया होगा इसलिए हो रहा है, आपने फ्रूट्स वगैरह कम खाए होंगे इसलिए हो रहा होगा। पहले मैं अच्छी डाइट मेंटेन कर रहा था, अभी रिसेंटली मैंने अच्छी डाइट मेंटेन नहीं करी, मतलब फ्रूट्स वगैरह तो बिल्कुल नहीं खा रहा था, तो हो जाता है। तो मैं कह रहे हैं मतलब ये है कि सिर्फ आप फूल जाओ, बॉडी बना लो, लेकिन अंदर के जो ऑर्गन्स हैं वही खत्म हो जाए, वही डेड हो जाए, तो भाई क्या ही फायदा है, क्या करोगे शरीर का जब ये शरीर अंदर से खत्म हो चुका है। तो और जितनी भी चीजें, जितने भी सप्लीमेंट्स हैं, ये सब ऑर्गन पे इफेक्ट करते हैं। सबसे पहले लीवर हो गया, सबसे ज्यादा इफेक्ट करता है किडनी पे। किडनी पे एक बार दिक्कत आ गई ना तो वो दिक्कत बढ़ती ही जाती है, कम नहीं होती। आपने देखा होगा जो बंदा एक बार डायलिसिस पे चला गया ना तो वो 6 महीने, साल भर, 1.5 साल, 2 साल, 3 साल, कितना स्ट्रांग है आपकी बॉडी उस पर डिपेंड करता है, लेकिन वो बंदा फिर चले जाता है, वो उसकी रिकवरी नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि यार सिर्फ दिखावे वाली बॉडी से कोई फायदा नहीं है, आप इंटरनली स्ट्रांग होने चाहिए, आपके ऑर्गन्स अच्छे से काम करने चाहिए। ऐसी कोई भी चीज ना लो, मतलब ये आप बीती बता रहा हूँ, मैं दिखाता हूँ। देखो डॉक्टर साहब ने ये दिया हुआ है, जबकि मैं आपने दिखा हुआ मैं दवाई कम खाता हूँ। देखो एक पत्ता ही खत्म कर चुका हूँ बिल्कुल, और आज एक पत्ता और लेके आया हूँ। ये सिर्फ यूरिन देखो, मतलब आप देख लो ये दवाई है, ये दवाई भाई यूरिन इन्फेक्शन के लिए ही है। तो उन्होंने कहा, डॉक्टर साहब ने कहा कि 5 दिन आप खा चुके, 5 दिन और खा लो, उससे सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। साथ में फ्रूट्स वगैरह इनटेक ले लो, तरबूजा खरबूजा जो भी सीजनल फल है उनको खाओ, अच्छा रहेगा। तो इसीलिए मैं अभी तरबूजा लेके आया हूँ, तरबूजे को काट के खाएंगे। और तो भाई मेरी यही रिक्वेस्ट है कि जो लोग भी जिम जाते हैं या जो लोग आपके घर में जाते होंगे, उन सबको यही बोलना कि भाई जो भी चीज़ आप ले रहे हो ना, प्रोटीन ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसके अलावा कुछ भी ले रहे हो तो भाई बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट्स है, आपके ऑर्गन्स को हिट करते हैं डायरेक्टली, तो ये सब चीज़ें मत लो। फिलहाल वीडियो को यहीं ख़त्म करता हूँ, क्योंकि अब कुछ है नहीं, रात हो चुकी है, मैं सोने जा रहा हूँ। तो शेयर कर देना, बाकी लाइक कमेंट कुछ करो मत करो। आपके साथ अगर कोई एक्सपीरियंस ऐसा है, किसी को जानते हो, कमेंट कर देना, बता देना, अदरवाइज शेयर कर दो लोगों के साथ। ही बाय बाय।